हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं डेस्क। फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट्स नीड और शुड का इस्तेमाल करते वक्त काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या, अक्सर जैसे मुझे पेन चाहिए तो कुछ लड़के, मैं जब पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ लड़के बनाकर दिखाते हैं कि आई शुड पेन, क्योंकि उनको पढ़ाया गया होता है कि जब लास्ट में ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अगर हो तो उसमें हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। मुझे पेन चाहिए, उसे चाकू चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस में शुड लगेगा या कुछ और। ये ठीक है, सही है कि जब सेंटेंस के अंत में ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अगर हो तो वैसे सेंटेंसेस को हम शुड या मस्ट लगा कर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम शुड और नीड का कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि नीड या शुड। ओके, तो जब भी किसी थिंग्स की, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जब भी किसी थिंग्स या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो आपको, कि जैसे मुझे दवाई की ज़रूरत है, उसमें वर्ब का मेंशन नहीं है, वर्ब मेंशन है ही नहीं उसमें, सिर्फ ऑब्जेक्ट मेंशन है कि मुझे दवाई चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे बुक चाहिए, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट मेंशन है, क्रिया यहाँ पर है ही नहीं, इस सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं। तब इस स्थिति में हम ऐसे सेंटेंसेस को नीड से बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, वहाँ हम शुड नहीं लगाएंगे, शुड वहाँ लगाएंगे जहाँ पर वर्ब मेंशन हो और उसके बाद चाहिए आ रहा हो। जैसे आपको दूध पीना चाहिए, आपको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, हमें कसरत करनी चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, इस तरह से जब वर्ब हो, क्रिया हो, उसमें मेंशन हो क्रिया का, यानी कि वर्ब मेंशन हो और उसके बाद चाहिए आ रहा है, तब फिर वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नीड और शुड, जैसे कि मुझे पेन चाहिए, आई नीड अ पेन, उसे चाकू चाहिए, ही नीड्स अ नाइफ, उन लोगों को कुर्सियाँ चाहिए, दे नीड चेयर्स। लेकिन अब यही मैं इस तरह से बोलूँ कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए, तो इसमें वर्ब मेंशन है और जब भी वर्ब मेंशन हो, क्रिया हो उसमें और उसके बाद चाहिए आ रहा हो और क्रिया में लास्ट में जो अंत में है ना आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, करनी चाहिए, जाना चाहिए, ना, नी, ने, उसके बाद चाहिए आएगा। ओके, तब हम वैसे सेंटेंसेस को शुड लगा कर बनाएंगे। जैसे आपको दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क। अगर इसी सेंटेंस को हम सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि आपको दूध चाहिए, तो यू नीड मिल्क, यहाँ पर क्रिया यानी वर्ब मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि नीड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, काफ़ी मीन्स काफ़ी लड़के कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, मैंने देखा है, अक्सर देखा है, जब नोट्स चेक करता हूँ मैं उसके, तो उसे दूध चाहिए, उसे दवाई चाहिए, तो उनको याद रहता है कि अच्छा चाहिए चाहिए, अच्छा शुड वाला है, तो दे ही शुड मिल्क, ही शुड मेडिसिन, ऐसा लगा देते हैं। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पर क्या होगा, नीड होगा। जब ओनली केवल ऑब्जेक्ट का नीड हो, यानी कि चाहिए हो, लेकिन क्या चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कुछ करने की बात नहीं हो रही उसमें, सिर्फ कोई चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर नीड लगेगा। और जब कुछ करने की बात हो कि करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, उन लोगों को खेलना चाहिए, हमें कसरत करना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस में शुड लगेगा। हमें कसरत करना चाहिए, वी शुड टेक एक्सरसाइज। उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए, दे शुड प्ले क्रिकेट। आपको दवाई खानी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये वीडियोस देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नीड कहाँ और शुड कहाँ। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलना सीखिए।
तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है थोड़ा बहुत भी, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।